हेलो गाइस, देखिए हम लोग के घर पे आज बहुत सारा मेहमान आया है और इसमें से देखिए इतना बड़ा चिकन लोकल मुर्गा जो देखिए ये देखिए लोकल मुर्गा, शायद इतना बड़ा लोकल मुर्गा आप लोगों ने देखने के लिए नहीं मिलेगा। और हम लोग ने इसको लोकल मुर्गा घर का ये तो अभी काटा है और आज देखेंगे हम लोकल तरीके से खाना बनाएंगे, गांव का स्टाइल से हम खाना बनाने के लिए जा रहे हैं। और देखिए करीब 3.5 किलो का मुर्गा लेके आया है, घर का मुर्गा है, दो करीब 1.5 साल पुराना मुर्गा है और बहुत बड़ा मुर्गा था। उस मुर्गा को गांव में एक आदमी 2000 रुपया दे रहा था मगर हम लोगों ने नहीं दिया और आज ज्यादा मेहमान होने की वजह से हम लोगों ने उसको यहाँ पे काटा है, घर पे काटा है और खाने के लिए तैयार है मेरा भाई और साथ में इसमें मेरा भांजा है, मेरा बड़ी बहन है, बड़ी से भी बड़ी और दूसरी बड़ी बहन है। और देखिए यहाँ पे साथ में मेरा कांसी इधर सब्जी रेडी करने के लिए तैयार हो रहा है, खाना बनाने के लिए तैयार हो रही है। और यहाँ पे मेरा भांजी है, मोटू भांजी हाथ में पापड़ लेके बैठी है और इधर एक पतली भांजी प्याज छिल रही है। आज सब मिलके हम लोग खाना बनाने जा रहे हैं और आप लोग ब्लॉग में बने रहे हैं। आप लोग देसी स्टाइल से हम लोग देसी चिकन बनाने वाले हैं और इसमें कोई डाउट नहीं। और आप लोग देखिए हम लोग देसी स्टाइल का खाना कैसे बनता है और बहुत टेस्टी तरीके से बनाएंगे। और मेरा भाई घूम के देख रहा है कि चिकन कहीं ना भागना चाहे बोल के मुर्गा उठ के, क्योंकि ज्यादा बड़ा मुर्गा था ना उसका तो गला काट दिया है, होने से उठ के भाग जाएगा तो अभी इसलिए देख रहा है क्योंकि ज्यादा ही बड़ा है मुर्गा। देखिए ये देखिए कितना बड़ा है, इतना बड़ा देखिए सबसे ज्यादा। आज हम लोगों का मेहमान आने की वजह से सब लोग मिलके खाएंगे और तो मैं नहीं खाऊंगा और मेरा ये मोटू है ज्यादा खाएगी बोल रहे हैं यार। और जितना भी चिकन हमारा छोटा वो उधर भाई खाएगा। और यहाँ पे देखिए मेरा कांची खाना बनाने के लिए चावल रेडी कर रही है और साथ में मेरा आज सामने भाई भी आ गया है थोड़ा हेल्प करने के लिए। और ये जो मोटू है आज दिन में बनाया था मटन और वो मटन देख रही है कहाँ पे रखा हुआ है और ढूंढ ढूंढ के खा रही है। यहाँ पे देखिए ये देखिए ये मटन है ना, ये तो पहले से ढूंढ रही है कहाँ पे रखा है, ये तो खतरनाक चीज है, इससे बचना होगा क्योंकि ऐसे नहीं बचेंगे तो वो पूरा खा लेगी, वो 3.5 किलो का चीज पूरा खा लेगी। ठीक है तो यहाँ पे और देखिए भांजा भी आ गया है क्योंकि सब आदमी इसी के बोल रहे और इतना खाती है, थोड़ा पहले खाई है पूरा थाल भर भर के खाई थी और फिर मटन खाने के लिए आ गई है, थोड़ा बाद फिर चिकन भी खाएगी, हम तो सोच नहीं सकते इतना खाना जाता क्या है। तो यहाँ पे देखिए इधर पापड़ फ्राई कर रही है मेरा छोटी भांजी, मोटू भांजी और इधर पतलू भांजी और इधर देखो भाई ने प्याज छील रहा है और ये तो पूरा खाने में लगी है, जब से आए तब से खाने में ही लगी है। यहाँ पे मेरा बीवी देखो मेरा कांची इधर खाना बनाने के लिए रेडी कर रही है, वहाँ पे बड़ी बहन है साथ में बड़ी बहन भी बैठी है और यहाँ पे मेरा भांजा है हंस रहा है थोड़ा आँख छोटा छोटा करके हंस रहा है। और देखो साथ में मेरा इधर पूरा सब लोग मिलजुल के हम लोग खाना बना रहे हैं। तो हम लोग ऐसे ही है दशहरा में हम लोग सब मिलजुल के खाना बनाते हैं और खाते हैं और मस्त करते हैं, इंजॉय करते हैं ना। तो मेरा भांजी थोड़ा एक एक्शन दो सामने, ओ बाप रे भाई, देखिए गाइस आप लोग घिरना नहीं है ये सब देख के, मेरा भांजी ज्यादा कुछ लड़का किसको इंप्रेशन करती है को नहीं। पापड़ से मुंह ढक रही है इधर और यहाँ पे मेरा भांजा यहाँ पे देखिए पूरा आग जला रहा है वो मुर्गा को जलाने के लिए। यहाँ पे देखिए जो मटन था पूरा खा लिया है मेरा ये बहने खा लिया है मटन और यहाँ पे देखिए जितना आलू था आलू छोड़ दिया है और आलू खाने के लिए आया है मेरा भाई क्योंकि वो पतला है, आलू खाएगा तो थोड़ा मोटा हो जाएगा और ये तो जैसे भी मोटी है और वो खाने के लिए तरसती है दिन भर और आते ही खाने के लिए बैठी थी, फिर अभी देखिए मटन का थोड़ा रखा हुआ था बोल के अभी वो बैलेंस मटन भी खा रही है। देखिए पूरा ध्यान मटन की तरफ है, पूरा ध्यान मटन की तरफ है, हम इधर ये बना रहे हैं मगर वो वहाँ पे नहीं दिख रहे हैं तो इसके लिए तो खाना जरूरी है, वो प्रॉब्लम नहीं, कोई देखो कोई कुछ भी बोले उसका वो सब प्रॉब्लम नहीं है, बस खाना है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि विजय दशमी कल ही था तो वीडियो क्यों आज आ रहा है, मगर वीडियो कल ही बना था और नेटवर्क प्रॉब्लम होने की वजह से वीडियो लेट में हुआ। तो गाइस देखिए हम लोग का भाई ने इसको थोड़ा बहुत जला दिया है और इसका थोड़ा छोटा छोटा जो चूल था वो सब जल गया है। और देखिए मेरा भांजी पापड़ निकल रही है खाने के लिए, तो खाओ भांजी क्या हुआ,
तो थोड़ा जला हुआ है बोलता है, उसी उसी ने फ्राई किया था, उसी को पसंद नहीं है। तो देखिए पूरा मिलजुल के खाना वाना बन रहा है यहाँ पे। अभी देखिए मेरा भाई ने उसको फिर वो बड़ा वाला आग में जला रहा है इसको। सर मसाला भी रेडी हो गया है, दिखाओ मसाला दिखाओ। ये देखिए चिकन का मसाला भी रेडी हो गया है यहाँ पे। और देखिए मेरा मोटू भांजी पूरा पापड़ खा रही है। ये रहा चिकन और यहाँ पे उसका मसाला पक रहा है। इसमें थोड़ा पकने के बाद अभी ये चिकन को उधर में डालेंगे, उसके बाद इसको अच्छे तरीके से फ्राई करके बनाएंगे। तो हम लोगों का खाना फाइनली रेडी हो गया है। और देखिए यहाँ पे जो चिकन था, चिकन का सूप भी रेडी हुआ है और चिकन का फ्राई भी है, फ्राई भी आ रहा है। और साथ में देखिए पूरा खाने के लिए बैठा है। तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।